बुनियादी जितनी आवश्यकताएं हैं, जब उन पर बेहतर ढंग से काम होगा तो राष्ट्र समृद्ध बनेगा। अच्छा काजी इमरान जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इन सारी चीजों को लेकर यह भी एक देशभक्ति, एक तरह की देशभक्ति है, लेकिन देशभक्ति तो यह भी है कि उन लोगों को आप सलाखों के पीछे पहुंचाएं या फिर उन लोगों को सजा दिलवाएं जो देश तोड़ने की बातें करते हैं, उनके साथ आप खड़े नहीं है, लेकिन उनको उनको लेकर अगर आप सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं तो आप भी उनके साथ खड़े हुए महसूस होते हैं। मैं इस बात को कह रहा हूं, कब हमने सवाल नहीं खड़ा? अभी शर्जील इमाम का मामला है, अभी शर्जील इमाम का सबसे टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर उन्होंने अभी तक सजा क्यों नहीं दिलवाई? मैं बता रहा हूं कि आपकी तरफ से फाइल फंसाई गई है। मैं बता रहा हूं आपको, अभी शर्जील इमाम का मामला आया, उसमें पार्टी के सभी नेताओं ने पूरी पार्टी इस बात के लिए है कि जो बड़ी से बड़ी सजा हो उसको सजा मिलनी चाहिए, और मैं भी कह रहा हूं। और जेएनयू के अंदर जो नारे लगे उसका क्या? जेएनयू के लिए नारे लगे, जांच ये कर रहे हैं, इन्होंने तीन साल इनको लग गए, इनको 3 साल लग गए चार्जशीट बनाने में, इनको हम कह रहे हैं अगर संजय सिंह दोषी हैं तो सरकार आपकी है, आप जांच कराइए, उनको जेल में डालिए। बिल्कुल करिए, जांच कराइए, बिल्कुल जेल में डालिए। अगर वो दोषी है, अगर सिर्फ राजनीति करा करना है आप चीजों को लेकर आ रहे हैं, क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। पैसे लिए प्रशासन की जांच में नाम आया, जांच करिए, दोषी पाए जा रहे हैं। देश की दिल्ली चुनाव के लिए किसी का चरित्र हनन मत कीजिए। अरे नहीं नहीं, चुनाव जीतने के लिए प्रूफ वोट नहीं, चरित्र हनन कीजिए। अगर आपके कहने से नहीं, आप जांच कराइए, जांच नहीं देंगे, जांच कराइए, जांच एजेंसी देगी। जांच अनिल त्रिपाठी की है, सजा देने का काम आप, ठीक है अनिल त्रिपाठी जी, सजा दीजिए। ठीक है ठीक है अनिल त्रिपाठी जी, ये जो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, एक सेकंड अनिल त्रिपाठी जी, ये जो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है हर बार किसी भी पार्टी से कुछ पूछो तो ये कहने लगती है कि उनके दाग आपने देखे नहीं, उन पे सवाल आपने पूछा नहीं। अरे आपके ऊपर लगा है, आपसे मैं जवाब चाहता हूं, लेकिन आप नहीं देंगे, आप दूसरों के दाग दिखाने लगेंगे। अपने दाग भी तो देखिए ना, राजनीति बीच में अभी जो है, जब चुनाव हो रहे थे, चुनाव मतदान के बाद जो है पवित्र और अपवित्र की बातें होने लगी थी हनुमान जी को लेकर, तो अपने अंदर भी तो पवित्रता लाइए थोड़ी ना, सिर्फ कह देने से बात थोड़ी ना बन जाएगी। असल में जो सबसे बड़ी चीज है, बेहतर प्रबंधन वो है कि जो जब से बैठता है तब से वो प्रबंधन करता है। अब हमारे देश में राजनैतिक जो है गर्मा गर्मी, वो कुप्रबंधन से शुरू होती है। तुमने ये किया था इसलिए तुम मुझसे सवाल ना पूछो। अब सवाल ये है कि इस आपस की झगड़े में जनता का कितना नुकसान होता है। अब वो अपनी राजनीति आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कह दिया कि हम आपको 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, किसी ने कह दिया हम किसानों को 6000 रुपए मुफ्त में देंगे, आप देश की जनता को बेघर बनाएंगे, सत्ता तो आपको मिल जाएगी, लेकिन है क्या कि आप उसी बिजली को सस्ती कर सकते हैं। मुफ्त में देने का किसी भी कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना है कि मुफ्त में हम अपने नागरिकों का स्वास्थ्य और शिक्षा ये मुहैया कराएंगे। अब है क्या कि चूंकि बयार इस तरीके की बह रही, हमको तो उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी जी इस दिशा में कोई काम करेंगे और इस दिशा में काम करके मुफ्त खोरी को धीरे धीरे कम करेंगे। उन्होंने कई जगह सब्सिडी वगैरह कम की तो उससे अच्छी आशा बंधी कि जो लोग दे सकते थे वो लोग भी सब्सिडी छोड़ रहे हैं। इस देश को बेघर नहीं बनाना है, सबको स्वावलंबी बनाना है। और आपने एक बात कही तो मैं जनता के सामने एक बात और रख दूं कि एक कंट्री थी जिसमें बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई सरकार की तरफ से कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये बात कंट्री की तरफ से जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कही, लेकिन जनता जब उसका जनता के पास गए उस चीज को लेकर तो जनता ने उसे नकार दिया। उसने कहा कि हमको बेरोजगारी भत्ता नहीं, हमको रोजगार दो। तो ये एक कैपेसिटी होनी चाहिए सरकार के पास या फिर कंट्री के अंदर कि हम बेरोजगारी भत्ता या फिर फ्री की चीजें नहीं देंगे, हम रोजगार देंगे, उससे आप कमाइए और खाइए। यही मेरा कहने का मतलब है कि यह स्वावलंबी बनाने का, जब देश आजाद हुआ तो यह हुआ कि हम लोगों को स्वावलंबी बनाएंगे। राजनैतिक पार्टियां कुछ समय तक तो वो चलता रहा, संघ के लोग भी स्वावलंबन के क्षेत्र में इन लोगों ने काम किया। उधर जो है आचार्य नरेंद्र देव ने, सब लोगों ने स्वावलंबन के कि देश के नागरिक स्वावलंबी कैसे बने, लेकिन इधर पिछले 20 बरस से कर्ज माफी, जब जनता दल की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा हम 10,000 तक के कर्ज माफ कर देंगे, फिर उन्होंने कर्ज माफ किया। ये जो है ये एक गलत तरीका है, इस तरीके को
टैक्स पेयर के पैसे का सही सदुपयोग हो और कैसे हो, ये प्रबंधन सरकार की जिम्मेवारी है। राजनीति तो चलती ही रहेगी और राजनीति में गर्मा गर्मी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है जितना शालीनता महत्वपूर्ण है। देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि किसी भी मोहल्ले में एक आदमी अगर गुंडा टाइप का रहता है तो उससे लोग डरते तो हैं, लेकिन उसकी हर बात का समर्थन करे अंदर से ये संभव नहीं है। और जो जो दल ये करेगा उसका हाल उसी तरीके से होगा जैसा अन्य दलों का हुआ है। रही बात इन्होंने कहा कि शाहीन बाग ये वो, अरे हम कहते हैं जब सभी लोगों से बात होती है तो आपने जो कानून लाया उस कानून को लेकर के आप उनके पास जाइए। आपके यहाँ से एक नेता केवल टीवी चैनल पर आए, रविशंकर जी, जिन्होंने ये कहा कि भाई इस पर कोई भ्रांति हो तो हमसे सीधा सवाल करिए। तो उन्होंने कहा कि बातचीत करेंगे, बातचीत करने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाया। आपके इरादे कुछ और है, हम बातचीत करेंगे, ये बात चाहते हैं नहीं, आपने कहा कि एक घुटने टिकवाना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा, लेकिन गए नहीं, दायरे में रहकर बातचीत करेंगे, लेकिन उसको बातचीत आगे बढ़ेगी गए नहीं, कोई गए नहीं। है ये हिंदुत्व होने का, हिंदूवादी होने का बदला लिया जा रहा है इस देश के अंदर, ये नहीं नहीं नहीं, इसके पीछे मंशा ये है। सिर्फ मोदी जी घुटने टेक दे, ये नाकेबंदी नहीं नहीं, ये नाकेबंदी की जा रही है, ये नाकेबंदी है, ये देश के खिलाफ नाकेबंदी की गई है। बिहार का इलेक्शन आएगा तब ये सब बात चल जाएगा। आप थोड़ा सा अच्छी बहस, कोई बात नहीं, अच्छी हमेशा डेमोक्रेसी में होना चाहिए, नहीं कोई बात नहीं है, नहीं पड़ेगा, कैसे राजनीति होती है, विकास की राजनीति कैसे होती है, ये हम बताएंगे। बिल्कुल काम करने का घमंड है हमें, हमने काम करके दिखाया है, हमने व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया है दिल्ली में। चलिए ठीक है, झूठे वादे ही सही, जनता ने मैंडेट दिया है, सरकार नहीं बनाएंगे, ठीक है, झूठे वादे हम विकास के लिए, ठीक है, झूठे वादे ही सही, ठीक है, ठीक है, हम काम करके निकल रहे हैं, झूठे वादों के ही सहारे आगे बढ़ेंगे, निकल रहे हैं, ठीक ठीक है। राजनीति में लेकर कोई झूठ और सच ना बताए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, राजनीति में रहकर कोई झूठ सच ना बताए, एक सेकंड संजय जी राजनीति में रहकर कोई झूठ सच ना बताए, क्योंकि सभी पार्टियां कुछ ना कुछ ऐसा वादा कर जाती हैं जो कि नहीं पूरा होता है। आप इस झूठ और सच के बात मत करिए, राजनीति में सारी चीजें अब जो है आम हो गई हैं और हर कोई इस बात को स्वीकार भी लेता है। अनिल जी कुछ बात कह रहे थे, उसको पूरा हो जाने दीजिए। हमारा कहने का मतलब ये है कि वो भी देश के नागरिक हैं, बात करनी चाहिए और उनके मन में जो भ्रांति हो, नहीं साहब, उसमें देश के नागरिक बहुत कम है, उसमें बांग्लादेश के लोग बैठे हुए हैं जो नागरिकता के लिए जिनको चाहिए वो ड्रामा कर रहे हैं। चलिए तो आधिकारिक तौर पर आपके पास सबूत है, आपकी पुलिस है, केंद्र सरकार है, जाइए पकड़ लीजिए, बंद कर दीजिए। संजय जी पुलिस आपकी दिल्ली में, आपके पास पुख्ता सबूत भी है, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं आपके पास सबूत है, जाइए कोर्ट में जाइए, उन लोगों को पकड़िए और जेल में बंद कर दीजिए। किसी ने आपके हाथ पैर रोके हैं क्या? किसी ने? देखिए साहब, देखिए भारतीय जनता पार्टी के सामने एक संकट है, हम लोग हिंदू और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करते हैं उस पर नीचा दिखाने का ये उपक्रम चल रहा है। अभी कुछ थोड़ा सा कर देंगे इस देश में हाहाकार मच जाएगा साहब, इस देश में हाहाकार मचा डालेंगे, एक के मसले में एक लिंचिंग होने पे क्या पकड़ दो पाइए। आरटीआई के जरिए जब पूछा जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है, कैसे बना, अरे मेरी बात सुनिए, टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में जब आरटीआई डाल के जो है गृह मंत्रालय से पूछा जाता है कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग, तो कोई जानकारी नहीं मिलती है, बेकार की फिर सिर्फ बहस करने से काम देखिए, काम करिए, हम भी आपके साथ हैं, काम करिए, आप भी पीछे हम हैं, लेकिन सिर्फ बातें करेंगे तो हम आपके साथ नहीं है। नवे जी ठीक है, सब जानते हैं लेकिन गृह मंत्रालय नहीं जानता है, ये बड़ी अजीब बात है, गृह मंत्रालय को नहीं पता। नवे जी सिर्फ बातें मत करिए,
जो लोग दोषी हैं उनके साथ जो है उनको जेल में बंद करिए आप, उनको उठा के कहीं अंडमान की जेल में, मैं क्या कह रहा हूँ, जेल बंद हो रहा है, नहीं मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, अरे फिर वही बात, ये चुनावी भाषण मत दिया करिए, चुनाव तो कच्चा लगता है, फिर वही बात, फिर वही बात, आपके पास सबूत है, आपके पास सबूत है क्या, आपके पास सबूत है क्या, नहीं है सबूत, आधिकारिक बात करिए, यहाँ पे आधिकारिक बात करिए, नवेद जी, नवेद जी सिर्फ ये हवा उड़ा देना या फिर एक वीडियो सामने आ जाना जिसका कोई सरकार नहीं है और वो कह देना कि कांग्रेस ये सारा चीज करवा रही, बिरयानी खिलाई जा रही है, क्या मतलब है इस चीज का, आधिकारिक तौर पर आप कुछ नहीं कह सकते। जब मुझे आश्चर्य हो रहा है, कल नतीजे आए हैं और पता चला है कि कांग्रेस का लगभग जो है दिल्ली में अस्तित्व मिट गया है, वो कांग्रेस जहां जिसका एक आधार था, एक जनाधार था, जहां पर ये सत्ता में रहे, वो कांग्रेस खत्म हो चुकी है इस तरीके से। और उसके बावजूद अगर हम ये माने कि पूरे देश को दिग्भ्रमित कर रही है कांग्रेस, जो आपने सवाल उठाया था, वो कांग्रेस जो एक सीट नहीं ला पा रही है, वही कांग्रेस पूरे देश को दिग्भ्रमित कर रही है, मुसलमानों को भड़का रही है, सारे देश के बुद्धिजीवी बर्बाद हो गए हैं, दिग्भ्रमित हो गए हैं, पूरा देश जो है वो पागल हो गया है, देशद्रोहियों की पूरी पूरी जो है दुकानें खुले जा रही है, टुकड़े टुकड़े गैंग एक ब्रांड बन गया है, साढ़े पांच साल से, यही मैं कहना चाह रहा हूं, ये ब्रांड है, मैं यही कहना, साढ़े पांच साल से देशद्रोहियों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहे हैं, और इस देश में जो सत्ता नशीन है, मेजोरिटी की सरकार है, इस देश का प्रधानमंत्री जिसके ऊपर जिसकी ताकत की तरफ पूरी दुनिया निगाहें देखती है, जिसका गृह मंत्री अमित शाह, जिसने इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, चाहे वो कश्मीर को पूरे तरीके से आजाद किया हो, 300 चाहे वो बालाकोट का मामला हो, इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्होंने अच्छा काम किया है, वो सरकार जिसको, जिस पार्टी को कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता है, कर्मठ का अनुशासित कार्यकर्ता है, जिसका संरक्षण जो है आरएसएस संघ जैसा संगठन जो अनुशासित और समर्पित है, उसके बावजूद जहां पूरे देश का जन समर्थन है, जहां लाखों करोड़ों कार्यकर्ता है, जहां एक ताकतवर सरकार है, जहां कूटनीतिक तौर से भी सत्ता को सलाम करती है पूरी दुनिया, उस देश, उस सरकार, वो सरकार टुकड़े टुकड़े गैंग का एक व्यक्ति को जेल में नहीं डाल पाई, टेक्निकल मामला, वो एक ऐसे छोटे से राज की बात करते हैं, हमारे पास समय की जी, नवेद जी, अनिल जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी हार पर मंथन शुरू कर देगी और 5 बजे एक बैठक भी होनी है, इसको लेकर जो कुछ निर्णय होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के हाथ में फिलहाल दिल्ली की सत्ता आ गई है, अब वो किस तरह से अगले 5 साल आगे बढ़ाते हैं ये उनके हाथ में है। फिलहाल के लिए इस डिबेट में इतना ही, आप बने रहिए इंडिया वॉच के साथ।